गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और हम भी एकदम बढ़िया है। सो अभी जो है मैं सो के उठ गई हूँ और अब जो है पानी वगैरह पीते हैं एंड जो है ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है। आज अनुज को जो है बगीचे नहीं जाना है, सो अब मैं आज मैं आराम से मतलब अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी करूँगी। सो अभी पानी वगैरह पी लेते हैं और अभी मैंने दूध लगाया हुआ है तो इसको भी देखते हैं। मेरी जो सासू मम्मी है ना, उनका कहना है कि दूध को ना खूब ज़्यादा काढ़ना होता है। आप जितना अच्छे से इसको काढ़ोगे उतना जो है, अगर आपका दूध में मतलब होता है ना, कईयों को लगता है कि दूध से थोड़ी सी स्मेल आ रही है या कुछ आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब दूध बहुत ज़्यादा टेस्टी जाता है पीने में, मतलब बहुत ही अच्छे से, कोई 1% भी कुछ आपको नहीं, ऐसे नहीं लगेगा कि इसमें कोई स्मेल है या कुछ और है। मतलब बहुत ही टेस्टी हो जाता है पीने को। और मुझे ये चीज़ सच में मतलब रियल लगी है। इसको हम खूब खूब ज़्यादा अच्छे से काटते हैं और उसका बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है पीने को। तो हमारे पास क्या है ना, जैसे जो गाय वगैरह की देख रेख है, घास लाना, पानी देना, सुबह से शाम तक मतलब गाय की सेवा करना, तो वो यही करते हैं बीरू। और मतलब इनको जो है ये सुबह ही से मम्मा गाय दूध है, तो मम्मा अपने काम में चल जाते हैं आजकल सुबह सुबह। मम्मी कहते हैं कि काफ़ी ठंडा होता है, सो मम्मा सुबह सुबह ही काम में निकल जाते हैं और इनको जो है मतलब पीछे से दूध पकड़ा देते हैं कि आगे ले जाए। तो मैं दूध वगैरह छानती हूँ एंड उसके बाद इनको भी दूध दे देती हूँ। सो यही है जो गाय की पूरे दिन भर सेवा करते हैं एंड हम जो है इनको सुबह सुबह जो है दूध देते हैं, दिन को चाय वगैरह देते हैं, बाकी सारा जो खाना वगैरह खुद बनाते हैं। तो चलो हम जो है पानी पियेंगे यहाँ बैठ के और बाहर का बढ़िया सा व्यू एंजॉय करते करते। तो आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। सो मम्मी ने जो है आलू छील के रख दिया, आई थिंक सुबह सुबह या शाम को, पता नहीं कब छील के रख दिए हैं। एंड चलो अब इनको मैश करते हैं फटाफट से, आज आलू के पराठे बनेंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद जो है आलू के पराठे बन रहे हैं और आलू के पराठे तो ना सबके फेवरेट होते हैं, आई थिंक मतलब मेरे और अनुज के तो ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है। काफ़ी टाइम से था कि आलू के परांठे बनाएंगे, आलू के परांठे बनाएंगे, बट टाइम ही नहीं लग रहा था। सो हमने आज सोचा कि चलो आज तो ना बना ही देते हैं। और प्याज कट करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, मुझे इतनी ज़्यादा मिर्ची लगती है ना प्याज से, बहुत ही तकड़े वाली मिर्ची। सो चलो अब इसमें मैं ऐड करूँगी पहले थोड़ी सी जो है रेड चिली एंड थोड़ी सी अपने घर वाली चिली। ये जो है ना अपने घर पे, जैसे हम लोगों ने लाल मतलब हरी मिर्चें, जैसे हम लोगों ने अपने घर में हरी मिर्चें लगाई होती है ना, तो वो अच्छे से रेड हो जाती है एंड उसके बाद उसको सुखाते हैं एंड देन उसको पीसते हैं। सो इसमें मैं डालूँगी कोरिएंडर पाउडर एंड थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। सो इसमें मैं जो और ऐड करूंगी वो मैं इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी, क्योंकि इससे ना काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। सो कसूरी मेथी हम इसमें थोड़ी ज़्यादा सी डालेंगे ताकि टेस्टी टेस्टी सा स्वाद आए खाने में। सो ये जो है परांठे का जो मसाला है मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया है और देखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी डिलीशियस ही है। सो चलो फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं परांठा। आज ना वैसे ही मुझे काफ़ी लेट हो गई है, अब तो मम्मी भी आने वाली होगी ब्रेकफास्ट करने, और चलो फटाफट से बना देती हूँ। अब इस तरह सोए हुए हैं, उनको ना काफ़ी थकान हुई है क्योंकि एक दो दिन से ना वो जो है काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, सो उस वजह से उनको काफ़ी थकान है। सो आज उनका रेस्ट डे है।
तो आज उनको हम परेशान नहीं करेंगे, आज उनको आराम से सोने देते हैं। खुद फटाफट से उनके लिए उनके फेवरेट फेवरेट आलू के पराठे बना देते हैं। पराठे में जो ऑयल है ना वो मैं काफ़ी कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब ज़्यादा ऑयली ऑयली खाना पसंद नहीं है। इससे होता है तेल मतलब टपक रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का सा तेल लगाती हूँ मैं तो। मैं थोड़ी थोड़ी सी ऑयलिंग कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, बस हल्की हल्की सी। क्या बनाया, लेके आओ, खाली प्लेटे रखे। अब खाओ, इसमें है कुछ भी नहीं बनाया आज, कुछ भी नहीं, कुछ भी, सॉरी। खाली प्लेटे लेके रखी है आज जिंकी ने मेरे सामने। बेदनी रोटी बनाई हुई है, भंगजीरी वाली बेदनी रोटी। वो तो मैं खाता नहीं हूँ, आपको पता है। क्या क्या उस वक्त मैंने ना आपके लिए थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि आप खा सको उसको। नहीं, वाओ, मेरे फेवरेट पराठे, वो भी आलू के। अचार डाल दूंगा। प्याज डाला इसमें? या आलू प्याज, धनिया नहीं डाला। धनिया लाने की मुझे आलस लगी तो मैंने इसमें मेथी डाल दी कसूरी में। टेस्टी सच में टेस्टी है, झूठी वाली तारीफ। मम्मा कसम से होटल वाले भी फेल है। नहीं मतलब मैं अच्छी शेफ हूँ। बस करो, चार पराठे खा लिया। खुद अनुज ने ना दो परांठे खा लिया, इतने बड़े बड़े बनाए होते मेरे, और मेरा तो फर्स्ट परांठा है। और ये जिंदगी का चौथा परांठा है। नहीं ये मेरा फर्स्ट परांठा है। झूठ, ये देखो और किस खा लिया। बहुत टेस्टी। ये भी खाना है आपने? देखूंगा। 4:30 तो मैं जो है ना मैं बाहर से झाड़ू दे रही थी और अंदर आकर क्या देखा, यहाँ देखो बर्तन धोए जा रहे हैं और वो भी देखो पटड़े पे बैठ के, मतलब स्टूल में मजे से बैठ के आराम से। तो मैंने तो आपको कहा था कि रेस्ट कर लो, मैं खुद धो लूंगी। अरे मुझे लगा था कि आप भी कितना काम करते हो तो घर पे आपके पास थोड़ी हेल्प कर लूंगा भी, क्योंकि अभी आपकी हेल्प मैंने लेनी है। अच्छा तो इस वजह से बोल रहे कि अभी जल्दी आप फ्री हो जाते नहीं तो धूप आ जाएगी। ओके ओके चलो ठीक है ये भी, बट आज मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। इतना बढ़िया मौसम हुआ है ना कि वाह, ये देखो। इसलिए आज हम सोच रहे हैं कि आज हम ना अभी बगीचे चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मौसम हुआ है, अच्छे से मतलब बादल बादल से हैं, क्लाउडी क्लाउडी सा मौसम है, और हम सोच रहे हैं बगीचे जाके थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। अभी हम चल पड़े हैं बगीचे के लिए और मौसम बहुत अच्छा हुआ है तो हमने सोचा आप बगीचे को, आपके कुत्ता पहले चले पड़ा आपसे। डॉगी इसको पहले ही पता चल जाता है, जो ही हमने खुली रखी होती है तो उसको पहले ही पता होता है कि हम जा गेट वगैरह खोल के खुद ही निकल गए। चल पड़ी है तो हम लोगों ने पानी की बॉटल की है सो चलते हैं, एंड अपने ग्लव्स वगैरह की। अभी हम जाएंगे गौशाला होते हुए, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे अंशु होते हैं ना वो वहाँ पर है, सो गौशाला होते हुए स्प्रिंकलर बदलते हुए आराम आराम से चलते हैं बगीचे के लिए। आ जाओ। हमने जो है एक छोटा सा जो हमारा बगीचा था वो तो आगे हम लोग निपटा के और अब यहाँ पर इसमें करेंगे। और ये देखो यहाँ पसीने आ गए हैं, पहले हमें था कि धूप नहीं लगेगी बट अब ना हल्की हल्की धूप लगनी स्टार्ट हो गई है, तो बोलती बंद हो गई हमारी, इतनी धूप लगनी स्टार्ट हो गई है। ये देखो कैसे लाफ रही है, बहुत धूप लग गई है, अब इतनी गर्मी सी हो गई है ना एकदम से। पहले हमें सुबह था कि हाय बड़ी ठंडी ठंडी छाया लगी हुई है, तो बट छाया तो चलो अब आ गए हैं, अब थोड़ा बहुत तो निपटा के ही जाते हैं। यहाँ पे जो घास है ये अनुज ने एक दो दिन आए थे अनुज ना मशीन से घास कट करने यहाँ पर, सो इसको हम जो है इकट्ठा कर रहे हैं। हमने सोचा कि थोड़ा मल्चिंग कर लेते हैं, यहाँ पर जो है धूप भी बहुत ज़्यादा लगती है तो खेत में बिखरे रहेगा ना घास, तो अच्छा नहीं लग रहा था। हमने सोचा चलो इसको इकट्ठा करके तौलियों में डाल देते हैं, तौलिए की मल्चिंग भी हो जाएगी, ये भी बेचारे थोड़ी धूप से बच जाएंगे। सो इसीलिए मैं कह रही थी कि अनुज सोए हुए उनको रेस्ट करने दो, क्योंकि दो दिन अनुज ने रेगुलर जो है मशीन से आए हुए थे घास कट करने तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैं भी थक गई हूँ अभी तो। मेरा ढाटू ही खुल गया। मास्क पहनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर मास्क नहीं पहनेंगे ना तो इतनी धूल है वो सारी धूल खुद में घुस जानी है। ये अभी ना आराम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, हमने ना पूरी बॉटल पानी लाई हुई थी ख़त्म भी कर दी है, बस एक एक घूंट बचा के रखी हुई हम दोनों ने कि अब हमें दोबारा से प्यास लगने वाली है। और इतनी तेज़ धूप लगी ना यार,
सारा उफ मेरे ढाटों में ना घास ही घास लग गई। तो हम लोगों ने ना एक खेत तो फारिग कर दिया, एक बड़ा खेत और एक छोटा सा उसके साथ जो खेत था। बस अब हम सोच रहे हैं यहाँ पर एक खेत और इसको फ्री, मतलब इससे फ्री हो जाते हैं, एंड जहाँ पे हम बैठे हैं इसको करेंगे हम कल शाम को आके। सो अभी थकान दूर कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा धूल है ना यार, मुझे तो लग रहा है ना वही चींटी ने भी खा लिया है, चींटी घुस गई है शायद। और पहले अपना मास्क निकाल देती हूँ, मास्क लाना भूल गई, बट मेरे साथ क्या होता है इसमें ढाठू पहनती हूँ। सो मतलब अपने घर में मैं मास्क तो बड़ा कम यूज़ करती हूँ, मुझे क्या ढाठू किया और ऐसे बांध दिया, मास्क से अच्छा लगता है मुझे ये। सो बस अभी हम इतना ही करेंगे आज यहाँ पे, अब कल आएंगे। यार बहुत तेज़ धूप लगी, इतनी धूप में काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब यहाँ से फारिक हो गए हैं, अनुज ये यहीं पे रख देते हैं ना इसको, यहीं रख कल के लिए। ये अपने, ये देखो हमारे दिखाए थे मैंने आपको, ये देखो ये ना देखने को ऐसे ना ये लोहे लोहे का बना हुआ है आगे, बट ये उठाने को ना बहुत ज़्यादा हल्के हैं, अच्छे हैं। जो मेरे घर में है ना, मतलब मेरे मायके में पार, वो तो इतने हैवी हैवी है ना, उनको उठाना बड़ा टफ हो जाता है, बट ये अच्छे हैं। और चलो अब चलते हैं अब घर के लिए फटाफट से। पता भी है आपको काटने कौन से? सो स्मार्ट मेरे को, मैंने अपने उसको काट दो एक काट दो, वो ग्रोथ नहीं हो रहा। मैंने अपने पापा के साथ सारा कुछ सीखा हुआ है, आप क्या सोचते हैं आपको ही आता है? जब भी पापा बगीचे जाते थे ना, मैं फटाफट से पापा के साथ चली होती थी, मैं भी आती हूँ। तो मुझे बड़ा मजा आता है इस काम में। वैसे अनुज कब से कह रही बहुत लदा हुआ, मैंने भी कैंची निकाली लदा हुआ तो चलो। और मैंने बोला कि दो जरा कैंची और दी है नहीं और सीधा, मैंने बोला इसमें ज्यादा सेब लगे तो मैं वाला थोड़ा थोड़ा खाली कर दो, इसको काट दो बीच वाला है ना, ये बहुत हैवी हो जाएगा ना वरना गिर जाएंगे। इतनी गर्मी लग गई आपको? या मजा आ रहा है, ठंडा पानी है इस नालू का, पता क्या है ये हमारे पूर्वजों का, मतलब परदादे वगैरह के आगे से आगे हमारे पूर्वजों का नालू है। अच्छा। और इस नालू का पता क्या है, यही नालू का पानी यहाँ से निकलता है हमारे खेत के नीचे से। अच्छा। और यही पानी हम लोग घर में पीते भी हैं। हाँ। वो जो नीचे नीचे, हाँ हमने यहाँ से जोड़ा हुआ है। हाँ, वो डायरेक्ट पार। तो पानी का क्या है कि आजकल बहुत ठंडा पानी है जैसे गर्मियों में, और सर्दियों में ये पानी गर्म हो जाता है। हाँ नालू में ये बहुत प्लस पॉइंट होता है, इसीलिए तो कहते हैं हम लोग जन्नत में रहते हैं। जड़ी बूटियों के बीच से निकलता हुआ पानी, मतलब इसका स्वाद ही कुछ और होता है। तो अभी पता क्या हुआ यहाँ पे, हम लोगों ने सुबह नर्सरी में स्प्रिंकलर लगाया था और वो रास्ते से पाइप खुल गई। ये हमारी अभी नर्सरी है, छोटी छोटी इस बार की डाली हुई है, अभी तो बहुत छोटी छोटी है, इसमें गुड़ाई करनी थी इसलिए हमने यहाँ पे स्प्रिंकलर लगाया था। और वो ऊपर वहाँ पे नलका है हमारा, और वहाँ से अभी पाइप टूट गई है, अब पाइप जोड़ने आया हमें इसलिए। लोग घर पहुँच गए हैं, घर पहुँच के थोड़ा पहले फ्रेश वगैरह हुए क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी ना बाहर, सो सबसे पहले आए और नहा धो के फ्रेश हो गए हैं मैं और उन्हें दोनों। और घर आते ही आज हमने ना सुबह से ही डिसाइड किया हुआ था कि आज हम जो है जिनको पुलाव बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से था कि पुलाव खाना है, मम्मी को था कि तुम पुलाव भी नहीं बनाते, और हमें भी था क्योंकि मुझे अनुज को हम सबको पुलाव काफ़ी पसंद है, तो हमने आज सोचा कि आज चलो जो है लंच में पुलाव ही बनेगा। बट पुलाव बनाते बनाते आज बहुत लेट हो गई क्योंकि वैसे ही हम लेट आए, एक बजने वाला है, तो फटाफट से अभी अनुज बना रहे हैं पुलाव। राइस मिक्स, ये जो है आज हम रेड राइस एंड वाइट राइस जो हमने दोनों मिक्स किए हुए हैं उसके हम जो है आज बनाएंगे पुलाव। और ये देखो जी तड़का बन गया है, और ये अनुज ने इसमें देखो उड़द डाली हुई है, उड़द के दाने। मैं कह रही थी कि क्यों डाले उड़द, क्यों डाले चबाने के लिए आए। हाँ क्योंकि ये नहीं पकते हैं। ये क्या बोलते हैं, पोटैटो, आलू डाले हुए हैं, न्यूट्री है, और अनुज ने दाल में डाली है मलका की दाल, एंड जो है दला चना डाला है। सो बस अब हमारा खाना फटाफट बन जाए, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ अभी। ये देखो जी, हाँ बस बना रही हूँ, ये देखो क्या टाइम होने वाला है। और मम्मी अभी लेटे हैं, अभी तक मक्खियाँ मार रहे थे क्योंकि आजकल जो है ऐसे गर्मी हो गई है, सो इस वजह से ना मक्खियाँ आ ही जाती है थोड़ी बहुत। तो चलो मैं डालती हूँ साइड बाई साइड दो चार चपातियाँ, क्योंकि अनुज को खानी है, अनुज और मम्मा को थोड़ी सी चपाती खानी है। जितनी देर में मेरा पुलाव रेडी होता है, थोड़ा अभी टमाटर पकने को 2 मिनट लगने हैं, जितनी देर में मेरा पुलाव रेडी होता है उतना मैं चिंकी बना रही है चपातियाँ। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम पुलाव के साथ चपाती खाएंगे, तो आप सबको कौन कौन ऐसा है जो पुलाव के साथ चपाती खाता है? मैं तो नहीं खाती हूँ, बट जो खाता है कमेंट जरूर करना। आज ना खाना खाते खाते बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, 1 बज गए हैं, और हमारा पुलाव भी बन गया है, ये देखो अब
टेस्ट करके बताएंगे अनुज ने कैसा पुलाव बनाया हुआ है। पहले थोड़ी सी ग्रीन अचार लेते हैं इसके साथ, ये ना मिर्च का अचार है, बहुत टेस्टी अचार है। पुलाव तो टेस्टी बनाया हमने, बहुत यम्मी है। क्या कर रहे हो? चाय एंड बिस्किट खा रहे हैं। एंड ये यहाँ पे मैं मेरे लिए लेके आई थी स्ट्रॉबेरी। हरी स्ट्रॉबेरी? हरी हरी स्ट्रॉबेरी एक की थी वहाँ पे, थोड़ी सी ऐसी। आप भी खा, आप जूस पियो। बिस्किट मेरे लिए भी रखो भाई, जूस के साथ भी खाता हूँ मैं। तो मैं ही बोल रही हूँ कि आप जूस के साथ बिस्किट खा लो, हम चाय पी। काफी दिनों से ना बड़ी क्रेविंग थी यार कि कुछ खाना। मुझे तो क्रेविंग पता क्या आ रही थी, बर्गर चाउमीन वगैरह खाने की, क्योंकि काफी टाइम हो गया मैंने नहीं खाया। पहले मुझे कमेंट भी आते थे कि जंक फूड थोड़ा कम खाया करो, इसलिए मैंने ना सबकी बात सुन ली और जो अपना जंक फूड है वो बहुत ज्यादा कम कर दिया था खाना। बट आज ना काफी ज्यादा क्रेविंग थी, बट कोई था नहीं, अनुज भी घर पे, सब घर पे थे। सो अनुज ने ना पता नहीं कहाँ कहाँ से चुपके से मतलब मेरे लिए मंगा भी दिए, और मुझे अभी अनुज गए हुए थे थोड़ा गाँव तक घूमने। सो आके तो मुझे दिखाया, ये ले मैंने, ये क्या है? मोमोज, वाओ आप कितने अच्छे हो। तो अब हम इसको गर्म करेंगे एंड उसके बाद खाएंगे। तो अब आ गई है मोमोज खाने की बारी। आखिरकार चटनी एंड सॉस मुझे ना इकट्ठे लगा के खाने में बड़ा मजा आता है। नॉट बैड टेस्ट या सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ यार, वीडियोस तो देखते हो बट सब्सक्राइब भी कर दिया करो साथ में। बाय बाय।